नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार क्यों लेंगे और कलयुग में किसका वध करेंगे। तो अगर आपको ये समझना है कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार ले लिया है या लेने वाले हैं, और इस कलयुग में भगवान विष्णु किसका वध करेंगे, ये सारी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं भगवान विष्णु इस कलयुग में क्यों आएंगे, कल्कि अवतार कली पुरुष का अंत कैसे करेंगे। यह जानने से पहले हम थोड़ा कली पुरुष के बारे में जानते हैं। कली पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस युग से सृष्टि के रचना स्रोत के समय में यानी सतयुग में जाना होगा। मित्रों, सतयुग में समुद्र मंथन की कहानी आप सबने सुनी होगी। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्से के रूप में प्रयोग किया गया। समुद्र मंथन विष्णु पुराण। राक्षसगण वासुकीनाथ के मुखी और देवता पूछ की और लगे थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। इस प्रकार समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। उसमें बहुत सारे कीमती आभूषणों के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। उन्होंने देवताओं को इस बारे में पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह जानते थे अगर उन्होंने देवताओं को इस विष के बारे में बता दिया तो वह विष के कारण इस मंथन को नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया गया। अब क्योंकि हलाहल विष निकल गया था और सभी इसके प्रकोप से सब मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त के अनुसार इसे आधा देवताओं को और आधा असुरों को पीना था, परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहन करने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विष का पान किया। कली पुरुष का जन्म कैसे हुआ? परंतु इस विष के तेज से भोलेनाथ जलने लगे। तब शक्ति रूपी देवी माँ पार्वती ने पुष्प विष को अपने हाथों से भोलेनाथ जी के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। परंतु इस क्रिया में विष की कुछ बूंदे राक्षस कली के मुख में जा गिरी, जिससे कली का शरीर खत्म हो गया। और फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया, और संजीवनी बूटी को इस पृथ्वी लोक पर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। यह वही संजीवनी बूटी था जिसे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया था। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकली तो भोलेनाथ जी ने ग्रहण कर लिया। कली पुरुष अमर कैसे हुआ? अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इस अमृत कलश की देवता और राक्षस छीना झपटी करने लगे, और इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदे समुद्र में और कुछ उज्जैन, नासिक, प्रयागराज में गिरी। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर से वह अमृत प्रकट होता है और उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदे कली पुरुष के मुख में गिर गई, जिससे वह फिर से जीवित हो उठा, परंतु वह भौतिक रूप में ना आ सका। वह बिना शरीर के जीवित हो गया और अमृत की बूंदों से अमर हो गया। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत समय में कली पुरुष अपने भौतिक रूप में वापस आ जाएगा। कली पुरुष अभी अपने भौतिक रूप में नहीं है, परंतु उसने अपनी शक्तियों से सारे मनुष्य को अपने बस में कर रखा है। उसने अपनी शक्ति काम वासना क्रोध और मोह का जाल इंसानों पर फैला रखा है, और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा उसकी माया का जाल बढ़ता जाएगा और वह अपने शरीर को पुनः प्राप्त करता जाएगा,
जिससे इंसान पूरी तरह से कली के बस में हो जाएंगे और चारों ओर पाप ही पाप फैल जाएगा। और कली पुरुष को ही खत्म करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार में इस कलयुग में जन्म लेंगे। तो चलिए अब जानते हैं भगवान विष्णु को कल्कि अवतार में कैसे देखा या पहचाना जाएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में पंचदेव के साथ ही त्रिदेव का जिक्र है। वही त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल है, जिनके काम आपस में बटे होने का भी जिक्र मिलता है। इसीलिए ब्रह्मा जहां सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो वही भगवान विष्णु को संसार का पालक और भगवान शिव को सहार के देवता माने जाते हैं। वही हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब भगवान विष्णु किसी ना किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। इसमें से अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना बाकी है। भगवान विष्णु कल्कि अवतार कब लेंगे और कैसे दिखेंगे? ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु जी कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, आयु कम होने की कगार पर आ जाएंगे। यह भी बताया गया है कि कलयुग में जिसके पास धन होगा, उसी को लोग कुलीन सदाचारी मानेंगे, और जो जितना छल कपट कर सकेगा, वह समाज में लोगों की नजरों में सबसे कुशल व्यवहार वाला माना जाएगा। माना जाता है कि जिस तरह से आज के समय में वारदात घटनाएं सामने आ रही है, एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी घटनाएं अपने चरम पर होंगी। कलयुग का अंत कब होगा और कैसे हरकते करेंगे लोग? एक इंसान दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा, गरीब से लेकर अमीर लोगों में जलन होने लगेगी, धर्म को ना मानने वालों का बोलबाला होगा। जिस तरह से प्रजा को संभालने के लिए एक राजा हमेशा मौजूद होता है, लेकिन आने वाली घोर कलयुग के समय में किसी भी शहर का राजा कोई नहीं होगा, वहां केवल अधर्मियों का राज होगा। मान्यता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब चारों ओर अकाल पड़ जाएगा, लोग भोजन को छोड़कर जानवरों की तरह पत्तियां खाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस युग में लोगों में सिर्फ असंतोष दिखाई देगा, और जैसे जैसे घरों में पूजा पाठ का अंत होगा, लोग धर्म में पाखंड से जुड़ने लगेंगे। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में आएंगे और कलयुग का अंत हो जाएगा। उसके बाद धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार कब लेंगे और कहां लेंगे और उनका रूप कैसा होगा। वही भगवत पुराण में लिखा है कि भगवान कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधिकाल में होगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। वही अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार हुए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4-3-2-0-0-0 साल का है। इसका भी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर गए थे। इसका मतलब है कि 51,900 साल कलयुग के बीत चुके हैं और 4-2-6-8-8-1 साल अभी बाकी है, और अभी से ही कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। कल्कि अवतार कब होगा? शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 6 तारीख को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यही कारण है कि तारीख को कल्कि जयंती उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
कल्कि अवतार के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होगी उसके बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिषियों की गणना के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ राशि में होगा सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में उच्च होगा, गुरु स्वर्ची धर्म में और शनि अपने उच्च राशि तुला में विराजमान होगा तब भगवान कल्कि का जन्म होगा और वह दुश्मनों का विनाश करके कलयुग को खत्म करेंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।